मुफ्ती तारिक मसूद, अब जैसे कि आप सबने सजेस्ट करा है तो मुझे देखना तो पड़ेगा ही। तो आज मैं एक्सप्लोर कर रही थी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में। तो इनका बेसिकली तारिक मसूद मेन नाम है एंड इनको हम मुफ्ती तारिक मसूद के नाम से भी जानते हैं। एंड ये समवॉट 1975 के आसपास इनका बर्थ है। पाकिस्तानी के देवबंदी से हैं एंड ऑथर भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। ये जामिया तो राशिद में ये पढ़ाते हैं एंड इनकी एंड इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक टफ फाइट चलती रहती है अपने टीचिंग्स को लेके, प्रीचिंग्स को लेके जो भी ये लोग करते हैं अबाउट मुवैया जो कि फर्स्ट कैलिप या उमियाद कैलिफेट, इसको लेके इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। एंड दोनों जो हैं एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं मे बी अपनी टीचिंग्स को लेके और जो भी ये फैक्ट्स क्लेम करना चाहते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग इनकी जर्नी रही है। कुछ इन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं, जैसे मैंने कहा ये ऑथर हैं तो इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं जिसका नाम है एके जायद शादियों की ज़रूरत क्यों। उसके अलावा जो इनका एक वीडियो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, नाम से मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इसके बारे में नहीं मिली है लेकिन ये शायद कोई वाकया सुना रहे होंगे। तो आशिक क्या करें इसका टाइटल है, बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो समझ में तो आ रहा है कि किस तरफ ये इशारा कर रहा है लेकिन आई थिंक कुछ अच्छा डेफिनेटली इनके पास किस्सा होने वाला है जो ये हम सबको शेयर करने वाले हैं। तो मैं अब वो किस्सा सुनने से वेट नहीं कर सकती। तो पहले मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगी कि इनका कंक्लूजन क्या निकला है इस बात से कि आशिक क्या करे, कि किस तरफ इसको लेके जा रहे हैं, और उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। मैं अक्सर एक वाक्य सुनाता हूँ। वो बेचारा आशिक का फोन आया तो उसने कहा मुफ्ती साहब आपने मेरे राज फाश कर दिया। मैंने राज फाश नहीं किया भाई, किसी को क्या पता मैं किसका वाक्य सुना रहा हूँ, मैं नाम थोड़ी बता रहा हूँ। वो जिस आशिक का वाक्य ना, उसने कहा मुफ्ती साहब यार आपने मेरे बारे में सबको बता दिया। भाई जान आपके बारे में किसको क्या पता, मैं किसी का राज फाश नहीं करता। अब मुझे ये लगा कि बयान में खड़ा होकर ना बोले मुफ्ती साहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। वो ऐसे तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने, जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। तो तीनों की टूट गई ना। तीसरा कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं खामोशी खड़ा हूँ। तो तीनों की टूट गई ना। तो ऐसे ही बाज लोग, हम तो राज फाश नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना राज फाश कर देते हैं। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा, फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूवर्स होंगे इसके, देखना आप। और इस पे जो लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से हैं जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे यार देखें क्या हुआ। सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है तो आप वालदेन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तारा लिल मुतहा बई नहीं मिसलन निकाह, हदीस में आते हैं दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इश्क को ख़त्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को फिर मुझे नहीं फ़ोन करो, अब्बा को फ़ोन करो जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो उसके, यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो उसको, लानत भेजो, एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोगों का, शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना, तमीज का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूंगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फोन किया तो मैं भी दुआ करता हूं, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे।
अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो, मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खामखा में इंकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना, हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती हैं कि बाज़ दफ़ा कि भाई अब इसको नचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन भी लेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, जवानी में मियाँ को नचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब ख़वातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसा करती हैं, वो बुढ़ापे में मियाँ को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिल के इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी, ये भी अच्छे अखलाक की अलामत है। वो कहेगी बेटा तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी, इसकी बेस पर आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी, वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी, मर्द का साथ, शोहर का साथ देगी, बच्चों की साइड नहीं लेगी। वो आजकल बच्चों की साइड लेना शुरू करती हैं, बच्चों के साथ मिलके उसको सताती हैं, क्योंकि अब बच्चों से मफाद है ना। और गैरतमंद आदमी भी ऐसे मौके पर बच्चों की साइड नहीं लेगा, वो किसकी साइड लेगा, बीवी की। वो कहेगा भाई पहले ये रफीक है, पहले ये बेटा मेरी जिंदगी में आई है, तुम बाद में आए हो, सही है ना, पहले ये है बाद में तुम हो। तो वही गैरत वैरत शार्ट चल रही है, क्या करें यार, अब आदमी किस क्या क्या रोना रोए बैठ के जो है ना। तो क्या बात कर रहा था मैं, वो आशिक की मिसाल दे रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मसला, उसने कहा कि भाई बात ये है मुफ्ती साहब, बस दुआ करें, वो मुझे हर कीमत पे चाहिए। मैंने कहा भाई बड़े से बड़ा गम इंसान, मैंने कहा कोई मर, हाँ मैं औरत की मिसाल दे रहा था, मियाँ से कितनी मोहब्बत जवानी में उसका इन्ना लिल्ला हो गया, कैसा रोती हैं, हाय ये क्या हो गया, हाय ये हो गया, हाय, बड़ा धचका लगता है बेचारी को जो सही मोहब्बत करने वाली। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है मशरकी औरतें मोहब्बत ही करती हैं मियाँओं से, तो कैसा रोती हैं, कितना बड़ा गम। थोड़े दिन के बाद भूल जाती, भूल भुलैया। मैंने यहाँ लोगों को देखा है, बाप का इंतकाल हो गया, टेंशन से पागल हो रहे हैं, तीसरे दिन वीलियाँ लगाते फिर रहे, भूल गया अब्बा का। मायूस कर देना जब इंसान अपने आप को, तभी कहते हैं ना बच्चा गुम जाए ये ज़्यादा ख़तरनाक है, मर जाए ये कम ख़तरनाक है। क्यों? मरने के बाद उम्मीद ख़त्म, अब नहीं आएगा। घूमने वाले से उम्मीदें होती हैं शायद अब मिल जाए, शायद उसी टेंशन में ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो आशिक को चाहिए माशूक के बारे में ये समझे कि ये मेरे लिए मर गया है, खत्म, उसका नंबर ब्लॉक, उसके बारे में सोचना खत्म। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा। ये कमबख्त चाहते ही नहीं इलाज करना, बार बार उसकी तस्वीरें देखते रहेंगे, बार बार उससे बात करते रहेंगे, बार बार उसके बहाने बहाने से उसकी गली का चक्कर लगाएंगे, और फिर उसी को समझाने के लिए फोन करते रहेंगे बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत खत्म कर रहा हूं, सुन लो। हकीकत है ये भी होता है आशिकों के साथ, देखो आइंदा मुझसे बातचीत नहीं करना क्योंकि मैं बस, ये आखिरी कॉल थी मेरी भाईजान, जरूरत क्या है आपको ये बताने की भी आखिरी कॉल थी या पहली कॉल थी, ये आशिक लोग करते हैं, हकीकत बता रहा हूं आपको। कह रहे हो मुफ्ती साहब को कैसे पता चलेगा हमारे बारे में भाई हमने पूरी दुनिया देखी हुई है, दुनिया के हर आदमी से हम मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी इसी माहौल में पले बड़े हैं जिसमें आप पल बढ़ के जवान हुए हैं। तो आशिक क्या करेगा कमबख्त, वो बहाने बहाने से समझाता रहेगा, कभी डांटता रहेगा, ताल्लुक ख़त्म, नंबर ब्लॉक, बांगदा मुझसे बात नहीं करना, मेरा ईमान ख़राब हो रहा है, जाओ दफा हो जाओ। फिर दो चार दिन के बाद चेक करेगा कोई कॉल तो नहीं आई भी, इसने मेरी हिदायत पर अमल किया, इसने नंबर ब्लॉक किया। तो आप कभी भी ठीक, पहली बात तो ये कि आशिक को चाहिए वो ये समझे कि मैं बीमार हूँ, ये बीमारी है। हर वो चीज़ जो आपको नॉर्मल लाइफ से हटा दे वो बीमारी है या नहीं है? वो टेंशन है, वो बीमारी है भाई। एक चीज़ नहीं मिल रही, तमीज़ से नहीं मिल रही, छोड़ दो उसका तसव्वुर, दिमाग में लाना छोड़ दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसे हो जाओ जैसे था ही नहीं। कुछ दिन तबीयत
खराब रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह के पास एक आशिक आया, उसने कहा एक घोसन कहते हैं ना वो जो गवाले गवाले होते हैं ना उनकी औरतें जो दूध वूध बेचती हैं, तो एक दूध वाली औरत पर ही आशिक हो गया था और निकाह को चांस मास था नहीं। ये हजरत हकीमुल उम्मा रहिमहुल्लाह के पास आया और कहने लगा कि जो मसला ये है कि मैं जो हूँ ना मेरे दिमाग में वो समा गई है, अब जो है मैं जो है ना बस मेरा कोई इलाज करें मैं ठीक हो जाऊं। हाँ कहने लगा मुझे वो दिला दें, आप अल्लाह वाले हैं बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं तो बस आप किसी तरह अल्लाह से मांगें वो मुझे मिल जाए। तो हकीमुल उम्मा ने फरमाया कि देखो भाई पहले तो इस्तिखारा करो, इस्तिखारे का मतलब वो वाला नहीं इस्तिखारा जो आजकल हो रहा है, यानी अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह ये बेहतर है तो मुकद्दर कर, बेहतर नहीं है तो मुकद्दर हो सकता है अल्लाह के इल्म में ये बेहतर ही ना हो, ये भी तो मुमकिन है कि आप चाह रहे हो हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो अल्लाह से पहले दुआ मांगो और फिर जो है वो पैगाम भेजो, अगर नहीं कबूल होता तो फिर अपना दिमाग यहाँ से हटाओ। और दिमाग हटाने का तरीका ये है कि उसका जानबूझकर तसव्वुर ना करो, ये मैंने पूरा वाक्य ऐसे सुना रहा हूँ कि कोई आशिक वाशिक बैठा हो तो वो सुन ले कि इस तरह से इलाज होगा, कभी उसका दिमाग में तसव्वुर ना लाओ, ठीक है ना, जान कर ना लाओ, खुद भी आ रहा है तो एक अलग बात है ना, वो तो गैर इख्तियारी चीज़ है, खुद से आ रहा है तो एक अलग बात है, जान कर ना सोचो उसके बारे में, अपने आप को मसरूफ रखो, उसकी तरफ कभी जाओ नहीं, उस रास्ते से ना गुजरो। तो ये परहेज है, ये परहेज करोगे तो फिर मैं दवा बताऊंगा, ये भी दवा नहीं मेडिसिन नहीं दी है, ये तो उस मेडिसिन के परहेज हैं, उसके बाद मेडिसिन भी मिलेगी जो जिक्र वो बताएंगे अल्लाह का जिक्र वो बाद में, पहले ये परहेज। उसने कहा ये नहीं हो सकता मुझसे, उसने कहा मुझे तो दूध चाहिए नहीं होता फिर भी वहां जाता हूं मैं दूध खरीदने मुझे तो दूध की जरूरत नहीं होती फिर भी जाता हूं, और कहा आप बस मुझे किसी तरह से वो दिला ही दें। तो हकीमुल उम्मा पहले ज़माने में लोगों में बुज़ुर्गों का एहतराम भी था, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसके। अब देखो आप कहोगे बदअखलाकी है थप्पड़ लगाना, हालांकि ये ऐन उस मौके पर क्या थे अखलाक थे। उन्होंने एक ज़ोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं, अब डॉक्टर अगर किसी मरीज़ को कहे ये करो वो करो कह रहे मैं ये नहीं करूँगा, तो डॉक्टर कहे दफा हो यहाँ से मेरा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे। एक थप्पड़ लगाया उसके ज़ोरदार ना, बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों जाया करो हमारे, जोर से तमाचा लगाया। लोगों में सलाहियत थी पहले जमाने में, अगले दिन आया कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म तमाचा लगाए और इश्क खत्म। हकीमुल उम्मा को हकीमुल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे किसका कैसे इलाज होगा, इसका इलाज तमीज से नहीं हो सकता इसको ये है कि जबरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो, तो वही किया उन्होंने, तो लगाया जोर से थप्पड़ उसका। तो एक और वाक्य ऐसा बड़ा दिलचस्प जहन में आया था, उसका भी इलाज हो गया था फौरन, ये तो थप्पड़ लगाया था ना, बड़ा दिलचस्प वाक्य जहन में आया था, निकल ही गया जहन से। तो इन्होंने लगाया उसको जोर से थप्पड़ और उसका हो गया इलाज। हाँ एक दहरिया आया, एक शख्स आया, देहरिया नहीं था मुसलमान था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो कहने लगा मुझे इस्लाम के बारे में ना बड़े वसवसे आते हैं, पता नहीं इस्लाम ठीक है या नहीं है क्या है ये। हर आदमी का इलाज दलाइल से नहीं होता, याद रखो, जो हिकमत वाले लोग होते हैं वो समझते हैं कि इसका फॉल्ट है क्या, इसके अंदर टेक्निकल खराबी है क्या, उस खराबी को दूर करते हैं, उसको हर तरह से दलाइल से समझाती है। फिर भी आया कहने लगा हजरत मुझे बड़े इश्काल, तुम हजरत हकीम ने फरमाया दफा हो जाए यहाँ से, तेरे जैसे आदमी को इस्लाम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तू काफिर हो जा, तू ये समझ रहा है कि तू इस्लाम पर एहसान कर रहा है। ये जुमला उन्होंने कहा है और कह रहे मेरे सारे वसवसे ख़त्म। उसको फॉल्ट उसके अंदर ये था, वो ये समझ रहा था गोया अल्लाह को कुछ मिल रहा है मेरे जैसे प्रोफेसर को इस्लाम में दाखिल करके, और इस्लाम को मेरी ज़रूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब उसको बताएंगे इस्लाम को तेरी ज़रूरत नहीं है और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारी सलाहियतें तेरे ऊपर ही खर्च करते रहे बैठ गए, तो हो जा भाई जहाँ इतने सारे लोग काफिर हैं एक और हो जाएगा, तू क्या समझता है, तू इतने तू चाहता इतना प्रोटोकॉल देंगे सबको छोड़ के हम तेरे पीछे लगे रहें। तो उसको अपनी औकात समझ में आ गई, उसको औकात समझ में आ गई, भाई ये मेरी ज़रूरत है इस्लाम, इस्लाम की ज़रूरत मैं नहीं हूँ। लेकिन ये आप ना करना शुरू कर दें, कोई थप्पड़ लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, हर आदमी पर हर चीज़ सूट नहीं करती। तो इसी वजह से देखो इस्लाम ने
बच्चों पे सख्ती करने की भी इजाजत दी है, बल्कि बाज़ मौके पे हुक्म दिया है। लोग कहते नहीं बच्चों से सख्ती बिल्कुल ना करो, बच्चों से सख्ती बिल्कुल ना करो। भाई बाज़ चीज़ें बच्चे मोहब्बत से समझेंगे, बाज़ चीज़ों की अहमियत मोहब्बत से नहीं, वो सख्ती से समझ में आएंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, बहुत कम नौबत आती है। एक छोटे बच्चे ने मेरे क्या किया, बगैर परमिशन के ना मेज से 5 रुपए उठा लिए। बच्चों को हमने बताया भाई कहीं भी कोई भी पैसे पड़े हुए हों, थोड़े हों ज्यादा, कोई बच्चा भी वालदेन की परमिशन के बगैर पैसे कहीं से भी नहीं उठाएगा, चाहे कितने बिखरे हुए पैसे पड़े हुए हों। होता है ना आदमी बटवा निकाल के रखता है, पैसे बिखर गए। बच्चों को कहा भाई, क्योंकि इससे आदत क्या होती है, तो एक बच्चा भी नहीं, बच्ची ने किया, 5 रुपए उठा लिए। मुझे याद है उसको मैंने जोर से थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ खौफ बिठाने के लिए कि ये मामूली जुर्म नहीं है। वो दिन आज का दिन, कई साल हो गए इस वाकये को, यानी मेरा ख्याल 6-7 साल तो हो गए होंगे, पैसे पड़े रहते हैं, कभी कोई बच्चा हाथ, क्योंकि उसको पड़ा है तो सबको इबरत हो गई। क्या हुआ, उनके मिजाज में एक चीज इंस्टॉल हो गई है, सॉफ्टवेयर डाल दिया हमने, इंस्टॉल कर दिया, समझ रहे हो ना क्या हो गया भाई, इंस्टॉल कर दिया। वैसे समझाने से नहीं होता, बेटा देखो 5 रुपए उठाना बहुत बुरी बात है। बच्चा क्या कहता है, बाज दफा बच्चों की माएं आके दलाइल, 5 रुपए ही तो हैं, बाज दफा बच्चों की माएं दिफा शुरू कर देती हैं, 5 रुपए ही तो हैं ना, इसमें कौन सा तूफान आ गया, आपका पैसा बच्चों का पैसा ही तो है, हैं भाई, इसने 5 उठा लिया तो इसको थप्पड़ पड़ रहा है, तो मैंने तो अगर 500 का उठा लिया मुझे तो पता नहीं क्या कर दोगे। तो वो बाज दफा औरतें भी उल्टे सीधे दलाइल शुरू कर देती हैं। जब चांटा पड़ गया तो बच्चे की मां को भी अंदाजा कि भाई ये बड़ा जुर्म है। भाई दलाइल गए एक तेल लेने, हमारा यानी ये गोया बाप ने पैगाम दे दिया कि दलाइल क्या है, बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है, इसके क्या दलाइल हैं। एक तरफ मैं ये चीज बर्दाश्त, पैसों के मामले में एक्यूरेसी जरूरी है, जहां मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ इश्क, वो आशिक की बात कर रहा था मैं, तो मैंने उसको समझाया कि भाई अब क्या करो, यहां से ताल्लुक खत्म। तो पता है क्या कहता, रोने लगा, कह रहे हजरत मैं नहीं ताल्लुक खत्म कर सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है। ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क। मुझे आ गया गुस्सा भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था, इश्क हो गया, इंसान है हर एक से हो सकता है, वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है, चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हरामकारी की तरफ नहीं गया। निकाह, तभी मैं कहता हूं भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मलामत ना करो। बेटा अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना, अब्बा पटाख करके एक चमाड़ लगा देते, वो तुझे मैंने ये इश्क आशकों के लिए भेजा है वहां पे, इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है। तो अब्बा बिला वजह गैरत का मसला बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो भाई एक निपटाओ यार, बच्ची बाज दफा पागल हो जाती है इश्क में, तो अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया। भाई अगर हो गई है, पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो, अकलमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना। तो अपने औलादों को, यहां जो वालदैन बैठे हैं, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सकें। बेशक बराह रास्त करते हुए शर्मवानी तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है, ठीक है ना, तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दो। और नाम ना लिखो अपना, अब्बा खुद ही, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है, क्योंकि जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई। हाँ वो अगर आपके खानदान में मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है, फिर अब्बा गैरत दिखाए, बोले बेटा तू तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल नहीं, हमारी परंपरा है, ठीक है ना। तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए। तो अब क्या है, मैंने उससे, अब वो क्या ना रोने लगा, बस ये बयान, ये किस वाक्य बता के वो पत्थर वाला जो है ना मिसाल कंप्लीट करके बात खत्म करता हूँ। वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है। मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो, ठीक है आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका,
यहाँ तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है, तो निकाह का रास्ता है, नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची मच्ची नहीं करो भाई। मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आपको, माँ नाराज़ होती है कभी, बातचीत छोड़ दे तो फिर ऐसा रोना आया कभी, जिसने सारी ज़िंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ते, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं, एक एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई, 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी, ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी। कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती, उस पर रोना नहीं आएगा, उस पर जज्बात नहीं मुश्तेल होंगे। तो वहां नहीं हो रहे, तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीजा मोहब्बत का लेबल लगाने की जरूरत। मैंने कहा उसको लकवा हो जाए ना, जो तुम्हारी जो महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कहेगा दिल कह रहे मुझसे साहब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज, ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक जाहिरी इश्क है। हाँ बाज दफा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे, अखलाक वखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी सो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन करा। एंड जहाँ तक बात है कि टाइटल की कि आशिक क्या करे, तो यस ये फैक्ट है, आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। एंड मुझे लगता है इट्स नॉट ईजी टू ओवरकम, यू नो, जब ऐसे ब्रेकअप्स होते हैं या कुछ ऐसी वजहों से आप उस इंसान के साथ नहीं जा सकते हो या नहीं रह सकते हो या आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यू नो अनअवॉइडेबल रीजंस या सर्कमस्टांसेस एक्सपाइजेड जो भी आते हैं, इट रियली फील्स बैड। बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल होना चाहिए, कभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको कोई इफ़ेक्ट हो या सामने वाले की लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट हो या आपके पेरेंट्स पे वो बात आ रही हो। सो वो उन्होंने वहाँ पे समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यूजुअली वही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो हम बोलते हैं ना कि हम एडिक्टेड हो गए हैं, तो बेसिकली आदत होना एडिक्शन होना दोनों में बहुत फ़र्क है कि आप किसी चीज़ के बिना रह नहीं सकते, वो आपकी आदत में, बिकॉज आदतें क्या होती हैं, वो बदली भी जा सकती हैं। किसी भी चीज़ का एडिक्शन होना वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाते हो ना, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। यही पूरा मैसेज उन्होंने देने की कोशिश करी हुई है। बाकी ऑब्वियसली बातों से सबसे बेटर ऑप्शन है कि बातों से आप दुनिया भर की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट यस लाइफ में कभी किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड मत होइएगा। एंड कभी भी कोई भी काम आप करें तो उससे पहले उसके सर्कमस्टांसेस ज़रूर सोच लीजिएगा कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है आप पे या सामने वाले इंसान पे। ओवरऑल उनका तरीका बहुत अच्छा था, बहुत यू नो फनी वे में उन्होंने एक्सप्लेन करा, सबको समझाने की कोशिश करी जो वो मैसेज देना चाहते थे। सो आई काइंड ऑफ लाइक्ड दिस बयान, एंड स्पेशली उनका जो ये वाला वीडियो था ये सच में बहुत अच्छा था। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इसको देखने के लिए बोला, एंड मैं आप देख सकते हैं कि मैं कितनी फ्रेश फील कर रही हूँ ये देखने के बाद भी, इतनी मिडनाइट में भी आई एम फीलिंग सो फ्रेश। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड आप सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह सपोर्ट करते जाइए। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एंड हम बहुत ही जल्द साथ में ईद मनाएंगे, अभी आप लोग की ईद आने वाली है, नो अप्रैल में ईद आने वाली है। सो मुझे सेवई बहुत बहुत पसंद है। और यस थैंक यू फॉर वन मोर थिंग जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स गिफ्टेड मी दिस चेन, सो थैंक यू। एंड मैंने ये डेफिनेटली यहाँ पे वेयर आउट कर ली है,
आप सब बहुत 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 प्यार मुझे दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड स्पेशली थैंक यू फॉर दिस. वन मोर टाइम आई एम शोइंग यू, ये मैंने पहन ली है. सो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा. एंड ईद साथ में मनाएंगे और इसी तरह बस आप सब मेरे साथ रहिए. मेरे परिवार हैं आप लोग, मेरी फैमिली बन चुके हैं. जैसा मैंने बोला कि मैं जब भी जहाँ भी रहती हूँ, अब यूजुअली होता है कि मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन में आप सब के कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक्स, तो इट गिव्स मी ऑलवेज अ फीलिंग दैट येस आई हैव यू ऑल एज माई फैमिली. तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है. आई रियली कांट टेल यू. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल फीलिंग. तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा.